चीन पर कोविड-19 महामारी फैलाने का आरोप लगाने वाला अमेरिका खुद एक बहुत बड़े स्वास्थ्य संकट से जूझ रहा है। ये खतरा ड्रग्स के बढ़ते सेवन से पनप रहा है। वहाँ ड्रग ओवरडोज से मरने वाले लोगों की संख्या में लगातार उछाल आ रहा है। ज़ाइलाज़ीन नाम के एक ड्रग को इसकी बड़ी वजह बताया जा रहा है। इसका असर कुछ ऐसा है कि लोग जिंदा लाश बन रहे हैं, एक जॉम्बी की तरह उनका शरीर सड़ने लगा है। इंटरनेट पर ऐसे तमाम वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिनमें लोग अजीब हरकतें करते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों हो रहा है ऐसा, सब कुछ विस्तार से आपको आज बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है, आप देख रहे हैं साइंसकारी। जिस संकट की बात हम शुरुआत में कर रहे थे उसकी मुख्य वजह है ज़ाइलाज़ीन नाम का एक ड्रग। पिछले कुछ सालों में अमेरिका के अवैध ड्रग मार्केट में ज़ाइलाज़ीन काफ़ी ज़्यादा बिका है। वजह है नशा, लोग इसे अलग अलग ड्रग्स में मिलाकर नशा कर रहे हैं, उन्हें इसकी बहुत ज़्यादा लत लग रही है और अब ये वहाँ के स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए सिरदर्द बन गई है। तो क्या है ज़ाइलाज़ीन? फर्स्ट पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक ज़ाइलाज़ीन 1960 में तैयार हुई थी। इसे ट्रैंक या जोम्बी ट्रैंक भी कहा जाता है, एक बड़ा सा शब्द होता है, ट्रैंकुलाइजर मतलब बेहोशी की दवा, उसी को छोटे में ट्रैंक बोल देते हैं। ज़ाइलाज़ीन को अमेरिका में जानवरों को बेहोश करने या दर्द कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ के फिलाडेल्फिया शहर के डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ ने 2019 में एक स्टडी की। इस स्टडी के मुताबिक 2000 के दशक की शुरुआत में पोर्टोरिको से ज़ाइलाज़ीन का इस्तेमाल शुरू हुआ घोड़ों को बेहोश करने के लिए। इसे इंसानों के लिए अप्रूव नहीं किया गया, लेकिन लोग इसे हेरोइन और फेंटनील जैसे ड्रग्स के साथ मिलाकर अवैध रूप से नशा कर रहे हैं। ज़ाइलाज़ीन एक ओपियोइड नहीं है, मतलब इसे अफीम से नहीं बनाया जाता, लेकिन इसका असर वैसे ही होता है। हमारे दिमाग में होते हैं ओपियोइड रिसेप्टर्स। अगर ओपियोइड मेहमान हैं तो रिसेप्टर्स जजमान। ये रिसेप्टर्स किसी दवा में मौजूद ओपियोइड के साथ मिलकर हमारे दिमाग में तरह तरह की हरकतें करते हैं। इन दोनों में ताले और चाबी सा रिश्ता होता है। एक ताला यानी ओपियोइड रिसेप्टर एक खास किस्म की चाबी यानी ओपियोइड से ही खुलता है। जब हम कोई ऐसी दवा या पेन किलर लेते हैं जिसमें ओपियोइड होता है तो वो हमारे अंदर जाकर किसे खोजता है? ओपियोइड रिसेप्टर को। जब वो ओपियोइड अपने साथी रिसेप्टर को ढूंढ लेता है तो दोनों लॉक हो जाते हैं। इसके बाद दिमाग में होते हैं बहुत सारे केमिकल लोचे। दर्द में आराम मिलता है, नींद आने लगती है, कुछ मामलों में बहुत आनंद और मज़ा भी मिलता है। इसीलिए नशे के शौकीन लोग इसे बिना किसी बीमारी के भी लेने लग जाते हैं और फिर उन्हें इसकी लत लग जाती है, एडिक्शन हो जाता है। ज़ाइलाज़ीन के मामले में यही हो रहा है। इसे लेने से अमेरिका में लोगों की हालत कैसी हो गई है आपको ये तस्वीरें देखकर समझ में आ जाएगा। फर्स्ट पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में ये भी बताया कि जो लोग इसे कानूनी तौर पर खरीद पा रहे हैं उन्हें लिक्विड के रूप में मिल रही है। इसकी पहले से भरी हुई शीशियाँ मार्केट में बिक रही हैं, इन्हीं से सिरिंज भरकर ज़ाइलाज़ीन ली जा रही है। दवा ऑनलाइन पाउडर वाली पैकेजिंग में भी मिल रही है। इससे नशा करने वालों के ऑप्शंस बढ़ गए हैं, वो ज़ाइलाज़ीन को दूसरे ड्रग्स में मिलाकर नाक से या निगलकर ले पा रहे हैं। अब बात करते हैं कि ज़ाइलाज़ीन का असर कैसे होता है। ज़ाइलाज़ीन सीधा हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर असर डालती है। इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के तीन हिस्से हैं, पहला आपका दिमाग, दूसरा स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी और तीसरा नसों का नेटवर्क। ये पूरा सिस्टम आपके शरीर में इधर उधर जा रहे संदेशों का हाईवे है। ये संदेश दिमाग से आपके अंगों तक और वापस आपके दिमाग तक हर वक्त घूमते रहते हैं। जब कभी इस सिस्टम में कोई गड़बड़ी हो जाती है तो बीमारियां होने लगती हैं, उदाहरण के तौर पर डिप्रेशन। डिप्रेशन के मरीजों को अक्सर डॉक्टर एंटी डिप्रेसेंट्स देते हैं। ये वो दवाएँ होती हैं जिनसे CNS हाईवे को दुरुस्त किया जाता है, मन में चल रही उधेड़बुन को शांत किया जाता है और मरीज को कुछ आराम मिलता है। कुछ ड्रग्स भी दिमाग में जाकर यही करते हैं और ज़ाइलाज़ीन वो बवाल चीज़ है जिससे पूरा सिस्टम हिल जाता है। इंसानों में ज़ाइलाज़ीन के साइड इफ़ेक्ट्स देखे जा रहे हैं, बेहोशी सी छाना, चीज़ें भूलने लगना, सांसें धीमी चलना, दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर का कम हो जाना। दिक्कत तब और बढ़ जाती है जब कोई पहले से ही एंटी डिप्रेसेंट्स ले रहा हो और फिर ज़ाइलाज़ीन भी लेने लगे। ऐसे में ड्रग ओवरडोज हो सकता है, इससे जान भी जा सकती है। फिलाडेल्फिया के डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ की स्टडी में और भी कई चौंकाने वाली चीज़ें सामने आईं। शुरुआत में हमने फेंटनील की बात की थी। स्टडी के मुताबिक 2010 से 2019 के बीच
इसी दवा की ओवरडोज से मरे लोगों पर फॉरेंसिक टेस्ट किए गए थे। उनकी जांच से पता चला कि हर साल ज़ाइलाज़ीन के मामले बढ़ रहे थे। फेंटनील को अवैध रूप से लेबोरेटरी में बनाया जाता है। ये अपने आप में हेरोइन से कई गुना ज़्यादा नशा देती है। इसमें ज़ाइलाज़ीन भी मिला दिया जाए तो क्या होता होगा, ज़रा सोच के देखिए। ज़ाइलाज़ीन को दूसरे ड्रग्स में मिलाकर लेने से त्वचा सड़ने लग जाती है, हाथों पैरों पर पके हुए गड्ढे और जख्म होने लगते हैं। ये जख्म नॉर्मल घावों की तरह जल्दी से ठीक नहीं होते, फैलते चले जाते हैं। वक्त पर अगर इलाज ना मिले तो आगे जाकर उस अंग को काट कर निकालना भी पड़ता है। और भी कई खतरे हैं, मसलन ड्रग्स से बेसुध व्यक्ति के साथ लूट खसोट हो सकती है, यौन शोषण हो सकता है, एक्सीडेंट या कोई और दुर्घटना होने के चांसेस होते हैं। तो क्यों ली जा रही है ज़ाइलाज़ीन? टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि ज़ाइलाज़ीन को ड्रग डीलर्स दो वजहों से हेरोइन, कोकीन और फेंटनील जैसी नशीली ड्रग्स में मिला रहे हैं। पहली, फेंटनील जैसी ड्रग्स का असर काफ़ी कम समय तक रहता है। इसके नशे को बनाए रखने के लिए दिन में 5 से 6 बार तक इसके इंजेक्शन लेने पड़ सकते हैं, जिसके अपने रिस्क हैं। नया इंजेक्शन लाने का झंझट रहता है। यहीं ज़ाइलाज़ीन की एंट्री होती है। इसे जब हेरोइन, कोकीन और फेंटनील में मिलाया जाता है तो लेने वाले को ज़्यादा हाई मिलता है और ज़्यादा देर के लिए मिलता है। दूसरा, ज़ाइलाज़ीन उन ड्रग्स से सस्ता है जिनमें इसे मिलाया जाता है। मुनाफा कमाने के लिए ड्रग डीलर्स दवा में मिलावट करते हैं। ऐसा करने से घटिया क्वालिटी के माल पर भी मोटी कमाई हो जाती है, कम इन्वेस्टमेंट पर ज़्यादा रिटर्न। कुछ ही डॉलर देकर ज़ाइलाज़ीन बड़ी आसानी से गली नुक्कड़ पर मिल रही है। टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में ये भी बताया कि अमेरिका में इतिहास के सबसे घातक ओवरडोज संकट की शुरुआत हो चुकी है। अब इलाज पर भी बात कर लेते हैं। किसी को ओपियोइड ड्रग ओवरडोज हो जाने पर नेलोज़ोन नाम की दवा दी जाती है। चूंकि ज़ाइलाज़ीन ओपियोइड है ही नहीं और ना ही ये इंसानों के लिए बनी थी, इसलिए फिलहाल नेलोज़ोन भी किसी काम की नहीं रही है। हालांकि इसे ये सोचकर मरीजों को दिया जा रहा है कि जिस ड्रग में ज़ाइलाज़ीन को मिलाया गया शायद उसी के असर से कुछ राहत मिल जाए। ज़ाइलाज़ीन के तो अभी सिर्फ लक्षणों पर ही काम किया जा सकता है, जैसे सांस की दिक्कत और ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने की दवा देना, घाव के लिए एंटीबायोटिक देना। ज़ाइलाज़ीन और उस जैसी कई ड्रग्स ने अमेरिका में कहर मचाया हुआ है। सरकार टेंशन में है। अमेरिका पहले से ही ड्रग्स की समस्या से लड़ता आ रहा है। डेली मेल ने बताया कि ड्रग ओवरडोज से 2021 में अमेरिका में 1,00,000 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई। ज़ाइलाज़ीन से संबंधित डेटा नियमित तौर पर रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, ऐसे में इसके ओवरडोज से मर रहे लोगों की संख्या का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। सही डेटा मिलने पर मृतकों की संख्या में और बढ़ोतरी होने की आशंका है। आज की साइंसकारी के एपिसोड में बस इतना ही। एपिसोड आपके लिए लेकर आए थे हमारे साथी जतिन। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। किसको मिली बात, किसने उड़ाया धुआं, दिन भर खेलों की दुनिया में क्या क्या हुआ, हर खबर जिस पर आप करते हैं बात, छोटी से छोटी जानकारी लाएंगे हर रात। लेकर आया है लल्लन टॉप स्पोर्ट्स की खबरों का खास शो स्पोर्ट्स टॉप, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे।